नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजन और आज के वीडियो में हम वॉइस चेंज के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे, डिटेल में सीखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस को करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉइस चेंज होता क्या है। देखिए, नॉर्मली जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, आप अपनी रोज़मर्रा के लाइफ में जो भी बातें करते हैं, जैसे कि मैं एक पोएम लिख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर वो एक गेम खेल रहा है, तो ये जो लाइन मैंने बोले ये होते हैं नॉर्मल बातें, कोई घुमा फिरा के बात नहीं है, एकदम सीधी बात कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब जो पैसिव वॉइस होता है, यानी कि उसको उल्टा करके या फिर घुमा के बोलते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में कम ही यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आप तो ये अक्सर बोलते होंगे, लेकिन क्या आप कभी ऐसा बोलते हैं कि खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है? ऐसा तो कभी नहीं बोलते, अगर बोलते भी होंगे तो बहुत ही रेयर होगा। तो हमारे ग्रामर के टाइम पे हमें ऐसे करेक्टली लिखना पड़ता है कि कैसे हम लिखेंगे अगर इसको एक्टिव से पैसिव में डालेंगे, तो वो सब हम करते हैं वॉइस चेंज में। तो आइए समझ लेते हैं। पहले वॉइस चेंज में हमारे पास दो टाइप के वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है हमारे पास क्या, पैसिव वॉइस। तो जो बेसिक कोर है हमारे वॉइस चेंज करने का, वो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, कि जो भी सेंटेंस आपको दिया होगा, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वो है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी देखना। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है हमारा वर्ब या फिर मेन वर्ब जो कहते हैं, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और लास्टली हम एक बाई यूज करते हैं। हम जो बोलते हैं ना कि मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है, उसके द्वारा खेल खेला जा रहा है, तो ये है हमारे वॉइस चेंज के कोर कंपोनेंट्स, जो मेन चीज़ें हैं जिनको आपको यूज़ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे शी इज़ रीडिंग अ बुक, ये एक सेंटेंस लिखा है मैंने, जिसका मतलब क्या है, वो एक किताब पढ़ रही है। अब जब भी हमें कोई सेंटेंस दिया होगा, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है, तो उसके बाद आता है सवाल कि चेंज कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे वो एक किताब पढ़ रही है, क्या आपको ये सेंटेंस में किसी भी तरीके से लग रहा है कि ये कोई घुमा के बात है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है? ये तो ऑब्वियसली स्ट्रेट बात है, वो एक किताब पढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि किताब पढ़ा जा रहा है या ऐसा कुछ। तो सिंपल वे में ये एक एक्टिव वॉइस है। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि कैसे पहचानना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव। जब हम थोड़ा डिटेल में इन सब को समझेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, तब क्या होगा, तब आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो यहाँ पे देखिए, शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो अब बताइए आप इनमें से सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट देखिए बेसिकली वो होता है जिसके बारे में ये सेंटेंस है, जो मेन यहाँ पे है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, वो शी, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सेकेंड सब्जेक्ट के जैसा है साइकोलॉजिकली अगर आप बात करें तो। तो वो क्या कर रही है, वो पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। तो कौन पढ़ रही है, वो क्या पढ़ रही है, किताब। तो ये जो क्या है, इसी का जो आंसर होता है उसी में आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। देखिए, बुक यही होगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी किस चीज़ को किया जा रहा है, कौन सा चीज़ है, चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है हमारा देखिए वर्ब, यानी कि कौन सा एक्टिविटी हो रहा है। यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, पढ़ना, रीड, तो ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब या फिर वर्ब। तो ये तो आपको पता होगा, इसका एक लिस्ट या बना सकते हैं, एज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, ये बहुत सी चीज़ें आपको देखते पता चल जाएगा कि कौन सा बी वर्ब होता है। तो ये हो गया हमारा बी वर्ब। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम सिर्फ एक एग्जांपल से तो समझ नहीं पाएंगे कि कैसे पहचानना है कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, तो डोंट वरी। तो अब देखते हैं कि रूल्स क्या होते हैं चेंज करने के। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि रूल्स, तभी आ जाता है हमारे पास टेंस। अलग अलग टेंस होते हैं, तो जो टेंस में आपका क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसी के रूल के हिसाब से उसको चेंज करना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम कहते हैं जिसे। तो जब
इस टेंस में दिया होगा कोई भी क्वेश्चन, तो उसको करने के भी कुछ रूल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक टेंस दे दिया गया, सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, ही ईट्स गुड स्टफ, यानी कि वो अच्छी चीजें खाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, कैसे समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे करेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए अगर आपको करेक्ट टेंस के बारे में नहीं पता कैसे क्या करते हैं, तो मैंने करेक्ट टेंसेस के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ईट के साथ एस लगा हुआ है और कोई भी बी भार्व नहीं है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जहाँ पे कोई भी भार्व नहीं लगता। और जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होता है तब जो मेन वर्ब होता है उसके साथ एस या फिर ई एस लगता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको दिया होगा कोई भी वॉइस, उसको करना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं वो क्या क्या लगते हैं, वो लगते हैं इज और आर। यहाँ पे ये क्या लगते हैं, ये लगते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए अब मेन रूल पे आ जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब जो होता है ना, ये क्या होता है, जब एक्टिव वॉइस है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यही मेन चीज़ है, यही आपको फोकस करना है। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है। उसके साथ ऑब्वियसली हमारा हेल्पिंग वर्ब भी लगता है और बाय जो मैंने वर्ड बोला वो भी लगता है। और अब मैं आपको बताता हूँ एकदम प्रैक्टिकल वे में, सबसे पहला स्टेप क्या होता है सॉल्व करने का। सबसे पहला स्टेप होता है आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। तो पहले मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, किसके बारे में बताया जा रहा है किसी भी लाइन में। देखिए यहाँ पे ही इट्स गुड स्टफ, तो ही वो, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो अब देखिए मैंने बोला था क्या, क्या वर्ड का आंसर क्या खा रहा है, गुड स्टफ। तो गुड स्टफ यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, अगर आपने गेस किया होगा। और ये तो बिल्कुल इजी है, काम क्या है, ईट खाना, तो ये हो गया हमारा वर्ब। तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है इसलिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं था, लेकिन कन्वर्ट करते टाइम पे हम इन दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे। आप किसको यूज करेंगे वो देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारा क्या रूल है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो गुड स्टफ ये हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए कैसे पता करें कि कौन सा बिठाना है, सिंपल, सिंगुलर और प्लूरल ये दो का सवाल है। देखिए गुड स्टफ यहाँ पे अच्छी चीजें, तो यहाँ पे देखिए स्टफ जो है वो चीजों मतलब एक साथ कंबाइन कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्टफ मतलब बहुत सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, तो वो अल्टीमेटली एक चीज़ को दर्शा रहा है। यहाँ पे प्लूरियल नहीं है, सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, तो गुड स्टफ इज। अब क्या बताया था मैंने, याद करिए, ईट का क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, वेरी गुड, अगर आपने गेस किया है तो। क्यों, क्योंकि जो वर्ब है उसका हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज होगा, चाहे आप कोई भी टेंस का कर रहे हो कन्वर्ट, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट किसी भी का, जो मेन वर्ब होगा उसका हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा। तो ईट एट ईटन, तो गुड स्टफ इज ईटन। अब याद कीजिए मैंने क्या बताया था, बाय वर्ड यूज होगा, गुड्स अच्छी चीजें उसके द्वारा खाया जाता है, द्वारा तो बाय। और अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो एक्टिव वॉइस है उसमें हम क्या बता रहे थे, वो अच्छा खाना खाता है, याद रखिएगा वो। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि अच्छा खाना उसके द्वारा खाया जाता है, तो वो था पहले और अब उसका हो गया या फिर उसके हो गया, तो ऑब्वियसली यहां पे ही तो नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। ही ईट्स गुड स्टफ, गुड स्टफ इज ईटन बाय हिम। तो अभी क्या है, हम कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है। तो पहले की तरह मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं, देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम क्रिकेट खेल रहा है, कोई काम वर्तमान में चल रहा है, अभी रुका नहीं है, चल रहा है, तो वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके पास होते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, नियम क्या होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब हमको कौन से लगाने हैं। वी वर्ब, तो जो वी वर्ब लगाने हैं वो है इज, आर, सेम है बिल्कुल इंडेफिनिट की तरह। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बीइंग वर्ड लगेगा यहां पे, बीइंग, बी ई आई एन जी, कैसे लगेगा हम आराम से देखते हैं। आइए तो देखिए, जो बेसिक रूल मैंने बताया था वो हमेशा सेम रहेगा, पहले हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब आइडेंटिफाई करने हैं। तो किसके बारे में है ये लाइन बताया जा रहा है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, सॉरी राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम है सब्जेक्ट। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्या का आंसर, हमारा ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खेलना, प्ले। अब आता है देखिए इंटरेस्टिंग चीज, तो पहले हमारा पहला काम निपटा लेते हैं, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, क्रिकेट। और यहां पे देखिए, जो मैंने बताया था सिंगुलर या प्लूरियल है, ये सिंगुलर है ऑब्वियसली, तो इसलिए इज लगेगा। ये देखिए बेसिक जो चीजें हैं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, सिंगुलर के टाइम पे कौन लगेगा, प्लूरियल के टाइम पे कौन लगेगा, ये हमेशा एज इट इज रहेगा, चाहे आप प्रेजेंट का कर रहे हो, कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट परफेक्ट का, कोई का भी आप कर रहे हो, ये रूल सेम रहेंगे, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि यार मुझे तो सिर्फ वॉइस चेंज प्रेजेंट टेंस वाला करना आता है, पास्ट का नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स है, थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। तो देखिएगा आराम से, तो क्रिकेट इज, अब देखिए मेन पार्ट अब यहाँ पे है, अभी यहाँ पे हम बीइंग यूज करेंगे। देखिए अब बीइंग कब यूज करना है, बीइंग एग्जैक्टली जब आप लिख लेते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग को यूज करना है। और बीइंग को यूज करने के बाद क्या होगा, देखिए क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था और हमारा जो मेन वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगा हुआ था ना, और ये आईएनजी को हम यहाँ पे बी के साथ लेके आ गए, बीइंग। तो क्या अब ये आईएनजी बचा, बिल्कुल नहीं, क्या रह गया, प्ले रह गया। और अगर आपको ध्यान से आपने देखा है तो आपको पता होगा प्ले क्या बन जाएगा, प्लेड बन जाएगा, वेरी गुड। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, प्ले का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन गया ना, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, अब क्या आएगा, बाय आएगा, ये चेंज नहीं होगा सर, ये हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, कौन है हमारा सब्जेक्ट, राम। और ये छोटी मोटी चीजें तो यार मैं क्या ही बताऊं, यहाँ पे राम है इसलिए मैंने कैपिटल दिया क्योंकि ये नाम है, अब यहाँ पे आप स्मॉल मत दे दीजिएगा, तो ये बताने की चीज नहीं है, फिर भी बता दिया। नेक्स्ट कौन सा टेंस है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सीता हैज डन द वर्क, तो सीता ने ये काम किया है। अब हम लिख देते हैं यहां पे बी वर्ब कौन से लगेंगे, बी वर्ब जो लगेगा वो लगेगा हैज बिन और हैव बिन। और अब हम सॉल्व करते करते समझेंगे कैसे यूज होगा ये सब। तो हमारे पुराने नियम क्या है, सीता सब्जेक्ट है और उसने क्या किया है, वर्क किया है, वर्क। और देखिए यहां पे डन, डू, करना, क्या किया है, काम किया है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्क ऑब्जेक्ट, और डू हो गया हमारा वर्ब, और ये तो ऑब्वियसली वी वर्ब है। तो द वर्क एक्चुअली, देखिए ये मैं बता दूं, ये जो टू होते हैं, द होते हैं, अ होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट के साथ ही कवर हो जाते हैं। तो अलग से मत पूछिएगा कि सर यहाँ पे टू है, द है, तो ये किस कैटेगरी में पड़ता है, तो ये द वर्क ही एक साथ लिखेंगे, ऐसा नहीं कि वर्ब लिख दी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, द वर्क। यहाँ पे देखिए हैज है ना, तो ये भी एकदम इजी है करना, कि हैज है तो हैज बीन ही होगा, हैज तो हैव बीन कभी नहीं होगा, तो द वर्क हैज बीन। और ये डू डिड डन, तो यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिया ही है, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये डन ही रहेगा। तो द वर्क हैज बीन डन बाय सीता, सिंपल, कोई आड़ा तेड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद जो बी वर्ब है हमारा उस टेंस के अकॉर्डिंग वो यूज होगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा मेन वर्ब का, उसके बाद एक बाय लगेगा, और सीता यहाँ पे क्योंकि नाम था तो एज इट इज लिख दिए,
शी होता तो हर होता, ही होता तो हिम होता, और अगर आई होता तो मी होता। ये जो आगे आगे जितना आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपका काम सिर्फ इतना है कि बेसिक वे में कैसे करते हैं वो समझिए। तो नेक्स्ट जो टेंस हम देखेंगे वो होगा सिंपल पास्ट। अब आप बोलेंगे कि सर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भूल गए। नहीं यार, मैं भूला नहीं हूँ। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब के वॉइस चेंजेस नहीं करने होते। 99.99% मैं बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या, ये आप देखेंगे ही कि इनके क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बाकी जितने भी टेंस मैंने नाम नहीं लिए हैं, रादर जो मैं समझा रहा हूँ आपको, वो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। 99.99% ऑफ द टाइम यही सब आएंगे। तो जो इतना कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको यूज़ नहीं किया जाता, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं उन्हें करने की। तो देखिए आप सिंपल पास्ट देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। द मैन किल्ड अ स्नेक। यानी कि उस इंसान ने एक सांप को मारा। तो जो हेल्पिंग भार पास्ट सिंपल पास्ट के टाइम पे यूज होगा वो होंगे वॉज और वेयर। और हमारा पहला काम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना। तो यहां पे मैन ही नहीं होगा, द मैन होगा। किसने मारा? द मैन, इंसान ने, उस इंसान ने। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या मारा? सांप को, एक सांप को, अ स्नेक। मैंने बोला था ना कि द, ए, ये सब ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएंगे। और किल, मारना, ये है काम यहाँ पे, वर्क यहाँ पे, एक्टिविटी। तो किल हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्क। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, अ स्नेक। अब देखिए वाज या फिर वेयर होगा, वही पुराना कॉन्सेप्ट, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे वाज लगेगा, स्नेक वाज। और किल का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? किल, किल्ड, किल्ड, तो किल्ड लगेगा। और बाय यूज होगा, मैंने पहले ही बताया था ना, बाय द मैन, एकदम सिंपल। तो उस इंसान ने सांप को मारा था, एक सांप उस इंसान के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। शी वॉज राइटिंग अ पोएम। वो एक कविता लिख रही थी। और ऐसे जो टेंस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, उनमें हम क्या यूज करते हैं बी बार? सेम, वाज और वेयर। तो ये एक अच्छा वे है आपके लिए याद करना कि इज और आर जो है वो हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पे भी यूज होता है और कंटिन्यूअस पे भी यूज होता है। पास्ट का कंटिन्यूअस और सिंपल पे, दोनों पे वाज वेयर यूज होता है, और प्रेजेंट का सिर्फ आपको हैज बीन और हैव बीन यूज होता है। और जो पास्ट का करेंगे हम परफेक्ट, वो भी आप देख लेंगे, वो भी रिलेट कर पाएंगे आप। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा लिस्ट आपको याद करना है, एक दो चीज़ें याद कर लीजिए तो आपके लिए आसान बन जाएगा। तो शी वॉज राइटिंग अ पोएम। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी होगा। वो क्या पढ़ रही थी, क्या लिख रही थी? पोएम, अ पोएम। और राइट यानी कि लिखना, ये हो गया हमारा वर्ब, और वी वर्ब हो गया वॉज। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अ पोएम वाज। अगेन यहां पे बीइंग लगेगा, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइम पे था, यहां पे एक बीइंग भी यूज होगा। तो अ पोएम वाज बीइंग, और राइट का क्या हो जाएगा? रिटन बाय। शी क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। वेरी गुड, अगर आपने गेस किया है तो अ पोएम वॉज बींग रिटन बाई हर, और शी वॉज राइटिंग अ पोएम। देखिए मैं बीच में एक और बात बता दूं कि ऐसा भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा कि पैसिव वॉइस दिया होगा और आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मैं पर्सनली कभी भी ये जो मतलब काम होता है ना, इसको अलग से पढ़ने का ज़रूरत समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेन जो टास्क होता है ना हमारा, वो होता है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। अगर पैसिव वॉइस दिया होगा तो ये एक्सट्रीमली ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है इसको यू नो एक्टिव में कन्वर्ट करना, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना। तो देखिए अ पोएम वॉज बींग रिटन बाई हिम, सॉरी हर। तो कोई भी जो प्रैक्टिस किया होगा ना, कोई भी आसानी से देख के यहाँ पे लिख सकता है इसको एक्टिव फॉर्म में। तो मैं कभी तो सोचता ही नहीं हूँ यार कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना आता है तो आपको सेकेंड्स लगेंगे, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने में। तो प्रैक्टिस करिए एक्टिव से पैसिव,
अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पैसिव से एक्टिव में यू नो प्रैक्टिस भी करिए, लेकिन बाय द टाइम जितना आप करेंगे आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। हमारे पास पास्ट परफेक्ट, रीमा, रीमा हैड मिस्ड द ट्रेन। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, रीमा, द ट्रेन हो गया ऑब्जेक्ट, मिस करना हो गया वर्ब, और ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस के टाइम पे लगता है वो होता है हैड बीन, और कुछ नहीं बस यही। तो इसको आप करते हैं कन्वर्ट, देखिए द ट्रेन हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे, द ट्रेन, और सिंपल है हैड हैड बीन हो जाएगा यहाँ पे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो द ट्रेन हैड बीन, मिस हो जाएगा मिस्ड बाई रीमा। अभी तो आपको ये वाले रूल्स तो आपको आसान लग ही रहे होंगे, जो बाई लगता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये इजी है। मेन जो काम है जो याद करना है आपको वो है ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है। और देखिए अब मैं पास्ट परफेक्ट तो करा रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए, लेकिन ये भी जो यूज़ होता है ना, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब भी आप करेंगे फ्यूचर में, आपका जब भी एग्जाम में आएंगे ये सारे क्वेश्चंस, तो पास्ट परफेक्ट भी आप देखिएगा बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सारे बहुत कम पूछे जाते हैं। तो सबका प्रैक्टिस आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देके करना है। जो हम लास्ट वाला देखने वाले हैं टेंस, वो है फ्यूचर सिंपल। तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, रोहन विल कैच द बॉल। तो फ्यूचर सिंपल के टाइम पे जो हमें बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए, वो होते हैं विल बी और शैल बी। और देखिए ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया रोहन, कौन पकड़ेगा बॉल को, रोहन, क्या पकड़ेगा, द बॉल, कैच यानी कि पकड़ना मेन भाग, और विल हेल्पिंग भाग आपका। तो सबसे पहले द बॉल हो जाएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, द बॉल, और विल है इसलिए क्या हो जाएगा, विल बी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, विल और शैल का बेसिक डिफरेंस यही होता है कि शैल यानी कि एक प्रेडिक्टेबल या फिर कह सकते हैं एक्सपेक्टेड चीज को समझाता है कि ये हो सकता है, और विल थोड़ा और कंफर्मेशन दे सकता है, देता है कि ये होगा ही होगा। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि शैल और विल दोनों ही आप दे सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, दोनों ही करेक्ट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे विल लिख दिया है, द बॉल विल बी कैच कॉट कॉट, सी ए यू जी एच, द बॉल विल बी कॉट बाय रोहन। तो देखिए ये थे अलग अलग कुछ टेंसेस जिनके वॉइस चेंजेस होते हैं, और जो दूसरे वाले हैं जो मैंने नहीं बताए हैं आपको, वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं, इसलिए अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने यू नो सॉल्व किए हैं वॉइस चेंजेस को, मैं उनका भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और दूसरे भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इनमें से आई होप कि कुछ ना कुछ तो आपका डाउट ज़रूर होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जितना यू नो ट्राई करूँगा कि आप लोगों का जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करूँ, और कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।